गणेश गाड़ेकर ने देश की 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाकर मतदान करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मतदान हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है जो हमें निभाना चाहिए। गणेश गाड़ेकर द्वारा आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा 28 अप्रैल से 22 तारीख तक सम्पन्न हुई। इस यात्रा में 0 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की गयी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि पहले राष्ट्रीय काम फिर अपना काम। यात्रा के दौरान 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों पर पूजा की गई और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया गया। 28 अप्रैल से लेके हमने यात्रा प्रारंभ की। नागपुर से सरोजिनी नगर से यात्रा शुरुआत हुई। ये यात्रा दक्षिण से लेके पूर्व तक थी, पश्चिम दक्षिण से लेके पूर्व तक और पश्चिम से लेके उत्तर तक थी। ये यात्रा का उद्देश्य एक ही था कि देश में जो पर्व चालू है, मतदान का पर्व है, ये मतदान पर्व में देश के नागरिकों ने सभी ने मिलके एक अच्छी सरकार बनाने के लिए आगे आना चाहिए और एक मजबूत सरकार देश को मिलनी चाहिए और ये देश को बताने के लिए हमने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की और मतदान कीजिए, यही उद्दिष्ट था। और यात्रा हमने जो स्टार्ट किया वो रामेश्वरम में और श्रीशैलम में सबसे पहले गए, वहाँ के लोगों को कन्विंस किया कि आप मतदान कीजिए। फिर हम महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में भी वहाँ पे इलेक्शन टाइम चालू था और वहाँ पे हमने बैनर में लिखा था कि पहले राष्ट्र फिर मैं, यानी इसका मतलब ये होता है कि पहले राष्ट्रीय कर्तव्य, पहले राष्ट्रीय काम फिर अपना काम। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश के नागरिक होने की नागरिक हो है तो सबसे पहले अपना काम ही वही है कि पहले राष्ट्रीय काम करना। तो राष्ट्रीय कर्तव्य यानी मतदान का कर्तव्य। आप सभी ने मिलके जब भारत के पूरे नागरिक मिलके जब एक संघ से मतदान करेंगे तो मैं नियमित से कहता हूँ कि भारत में एक अच्छी सरकार आएंगी और अच्छी सरकार देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए अच्छा काम करेंगी। ये यात्रा 11,500 किलोमीटर की यात्रा थी और रास्ते मैं कहूँगा कि भारतीय रास्ते मंत्रालय का मिनिस्टर जो भी है उसका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतने अच्छे जाले नेटवर्क, रास्तों का नेटवर्क जो बनाया है रेल मंत्रा अपने रास्ते मंत्रालय ने, कि उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। कि इसके पहले भी मैंने केदारनाथ यात्रा की, इसके पहले भी मैंने रामेश्वरम की यात्रा की, पर जो मैंने आज मुझे जो अनुभव आया इस रास्ते की वजह से कि मेरी यात्रा जो 22 दिन चलने वाली थी वो यात्रा इस अच्छे रास्ते की वजह से यात्रा आज कम टाइम में और मैं जल्दी सुखरूप घर पहुंच गया हूँ। और मुझे इस पूरे रास्ते में ना कई प्रकार की अड़चनें आई, ना कई तकलीफ हुई। ये सब एक ही वजह से होता है जब भारत की जो मंत्रालय है, रास्ते मंत्रालय है, वो अच्छा काम करेंगे। तो मैं रास्ते मंत्रालय को पहले अभिनंदन देता हूँ और ऐसे ही काम होते रहेगा तो भारत एक दिन विश्व गुरु तो नक्की बनेगा। पर रास्ते के मामले में भारत का नेटवर्क पूरे देश में, पूरे विश्व भर में एक यूनिक हो जाएगा और पूर्व से लेके पश्चिम तक, दक्षिण से लेके उत्तर तक सभी जगह का, गांव से गांव और घर से घर का नेटवर्क अच्छा रहेगा। गणेश गाड़ेकर का मानना है कि सक्षम संस्कार तभी आते हैं जब देश के सभी लोग मतदान करते हैं और सोच समझकर देश का नेतृत्व चुनते हैं। इस यात्रा में 5 लोगों के समूह ने मिलकर भाग लिया और भारतीय रास्ते मंत्रालय की प्रशंसा की। यह यात्रा राष्ट्रीयता और नागरिकता के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास होने की बात भी उन्होंने की है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।